अनबिलीवेबल। सो अभी हो रहा है टाइम, आप देख सकते हैं 4:30 बजे हैं और मेरी गाड़ी 15 मिनट आगे है। और क्या मौसम हो रहा है यार, मतलब यहाँ का इतना शानदार, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप मेरे पीछे, ऊपर देखो आप, पूरी काली काली घटाएं जो हैं वो आई हुई है, ताबड़तोड़ मतलब बारिश आई है। आप देखो हवा को आप फील कर रहे होंगे। सो इतनी गर्मी में ऐसा मौसम आना बहुत ही मतलब बहुत ही शानदार। ये देखो आप क्या काली काली घटाएं आई हुई है और जो है बारिश भी आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बूंदे हैं बारिश की, प्रीटी मच ऑसम। ये देखो प्लांट्स कैसे मतलब जा रहे हैं यार, वो देखो कर्टन भी कितना उड़ रहा है। तो पूरी की पूरी आंधी मैं आपको ये पूरी दिखा रहा हूँ, अगर आप घर में सोए हुए हैं तो जाग जाइए। तो ये देखो बादल जो है वो पूरे जाते हुए और बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश आने वाली है। और ये मेरे ख्याल से आज संडे का दिन है, हाँ आज संडे ही है और 28 जो है वो डेट है। तो हो सकता है कि मैं ये ब्लॉग जो है वो बाद में अपलोड करूँ, बट इतना अच्छा मौसम था तो मैं नीचे शॉप से जो है वो ऊपर आया, मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये बारिश मतलब गजब हवा आ रही है, गजब मतलब बारिश की डेट यहाँ तक आ रही है। अब इसको देखो ये भी यहाँ पर उड़ रहा है। हालाँकि अभी जोधपुर के अंदर 3-4 दिन तक बारिश का वो है कि बारिश आएगी, बट इस तरह से आएगी ये नहीं पता था। ये देखो पंखा भी जो है वो अपने आप चल रहा है जबकि जो स्विचेस वगैरह है वो बंद है। सो देखो गाइस क्या टाइम हो रहा है, 6 मतलब मेरी गाड़ी 15 मिनट आगे, सो आप टाइम मिला लेना। और देखो क्या नज़ारा है, 6 बजे का जो नज़ारा है, किला तो पूरा छिपी है यहाँ देखो। और इतनी तेज़ बारिश और इतनी तेज़ आंधी, मुझे लिटरली मोबाइल का जहाँ पे स्पीकर है वहाँ लिटरली उसे पास लाके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब सुनाई नहीं दे रहा इतना तेज़, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश पड़ रही है। वो देखो आप ताबड़तोड़ बारिश हो रही है यार जोधपुर में, मतलब गज़ब ही गज़ब। ये देखो आप, और इतनी देर से हो रही है, मैंने अभी आपको वीडियो में जैसे बताया था ना आंधी वगैरह आई है, उसके विद इन 10 मिनट्स के अंदर जो है ये बारिश जो है वो आ गई। तेज़ बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं पीछे, बहुत ही शानदार मौसम हो चुका है जोधपुर का। सो जोधपुर वासियों अब शिकायत मत करना कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े। कूबी की ऐसी हरकत थी, मतलब मेरे पास फोन नहीं था, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्ड करके बताता। एक्चुअली इतनी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, अभी मतलब बज रहे हैं 9, मतलब मेरी घड़ी जो है वो 15 मिनट आगे है, तो आप अंदाज़ा लगा रहे। तो स्कूबी को मैं घुमाने ले गया, मैंने कहा घुमाते हैं यार, मतलब क्योंकि बारिश में इसको पानी से तो डॉग्स को बहुत डर लगता है, और मतलब मुझे अभी भी ऐसी आ रही है, और मतलब डर जो है इसको इतना लगता है पानी से कि नहलाते हैं तो ये कभी मतलब जो माचा होता है उसके नीचे घुस जाता है या कोई टेबल के नीचे घुस जाता है, मतलब नहलाओ मत इसको, मुझे गंदा रहने दो। तो अभी बाहर लेके गया तो छींटे तो आ ही रहे, तो मैं बारिश में थोड़ा थोड़ा भीग गया, मैंने कहा चल पॉटी कर, मतलब इसको पूप कराने के लिए जो मैं ले गया, तो ये बेटा सिर्फ सुसु करे और पानी से इसको इतना है ये वापस मतलब घर की तरफ आ गया, मतलब मेरे को ले जाओ मत। ऐसे मैं 2-3 बार लेके गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं जैसे ही अंदर आया तो जो लैश जो हैश जो है जो बांधते हैं इसके, तो हैश पकड़ के और वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर चल के फर्स्ट फ्लोर पे चला गया और मेरे को गुस्सा करके मतलब वाह वाह करके और गया। तो यार ये गजब यार, मतलब डॉग्स इतना मतलब ये समझने लगा है। तो मतलब देखो आप, मतलब अपने इंसानों जैसी हरकतें जो है वो मतलब होती है डॉग्स, इसीलिए कहते हैं कि डॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमंस। सो मतलब बिल्कुल ही मतलब वो लिटरली मतलब मेरे पास वो, मैं अगर रिकॉर्ड कर पाता तो मैं उसे रिकॉर्ड करता, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो मतलब बिल्कुल ये सही बात है। तो आपके भी घर में पेट है और आपके साथ भी ऐसा अगर हुआ है, और स्पेशली अगर शिह त्सु ब्रीड है, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाहर तो हो रही है बारिश और मैंने जो है अपना स्टोर जो है वो क्लोज़ कर दिया है, अब खाना खाएंगे। अभी तक ये हार्नेस पहना हुआ है, ये देखो मुझे वो मतलब गुस्सा करके ही ऊपर आ गया यहाँ पे। चले घूमने चले, तो बेटा दे नहीं रहा है मेरे को, ले दे चलो घूमने चलो, चलो ले दे चले चलो। इसको भी तो गुड बॉय है ना, फिर गुड बॉय करेंगे पागल, ले आ जा चलो घूमने चलो, चलो चलो पॉटी करने चले। अरे दे दे भाई,
दे दे, ए कहाँ लेके जा रहा है, इसकी हरकतें। खाएगा क्या, अंडे खाएगा या नहीं खाएगा? So, अब खाना खाते हैं। बहुत शानदार ऑमलेट दिख रहा है ये तो। आ चुका है ऑमलेट, अब इसे खाते हैं। और बारिश में ऐसे ऑमलेट खाने का मजा ही कुछ और है, क्यों? So, बारिश तो अभी तक आ रही है, आप टाइम देखो 9:30 बजी है और 15 मिनट आगे है मेरी घड़ी, तो बारिश मतलब हल्की हल्की जो है वो अभी तक आ रही है। सो खाना वाना खा लिया है, अब जो है छत पे थोड़ी देर मैं बैठूंगा, ऐसे ही जो ये माहौल है उसे इंजॉय करेंगे, इस चेयर पे बैठेंगे और जी कोजी कोजी सा जो बारिश का मौसम है जोधपुर में उसे इंजॉय करेंगे। सो लाइफ में कुछ भी हो, आपको हमेशा अपना जो इंजॉय है वो पूरा का पूरा करना चाहिए, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो छोटे छोटे मोमेंट्स है उससे आप जो है वो हमेशा इंजॉय करो। सो बाल कुछ ज़्यादा ही छोटे नहीं कट गए, आपको क्या लगता है? ठंडक इतनी अच्छी हो गई, मतलब जब जुलाई में और जून मतलब जुलाई के अंदर जब जैसा मौसम होता है वैसा का वैसा जो है ठंडक का जो मौसम है वो अभी हो चुका है। और जैसे माउंट आबू के अंदर भी इस टाइप का मौसम होता है, जैसे बादल नीचे नीचे रहते हैं, बहुत ही अच्छा वो मौसम होता है, तो वैसा का वैसा मौसम जो है जोधपुर में हो रखा है, वो भी बेमौसम। मतलब इस मौसम में कहाँ बारिश आती थी क्या, इस मौसम में तो मतलब आंधर बास्ताट है जोधपुर में। मतलब आंधी आती थी और मतलब डेजर्ट ही डेजर्ट मतलब है अपने यहाँ पे, तो इसीलिए मतलब जो गर्म ज़्यादा जो है वो रहता है, तो इसीलिए मतलब जो है बारिश जो आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करो कि मतलब ऐसे मौसम में भगवान हमें बारिश दिखा रहा है, और भगवान करे कि मतलब जून जुलाई के मौसम में भी बारिश आए, यूँ नहीं कि उस महीने में बारिश आए नहीं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो रात को वही यार, मतलब बारिश जो है बहुत अच्छी रही और मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा मतलब रहा है, तो काफ़ी अच्छा मतलब सही मौसम था यार, और अभी भी मतलब सुबह भी मतलब सही लग रहा है। तो इसी के तहत आगे चलते हुए मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, और होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।